हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। सो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, मैं बस में हूँ और मैं जा रहा हूँ आज पुणे। पुणे में मेरे दोस्त एक रहते थे वहाँ पे, तो उन्होंने बताया मुझे कि यहाँ पे एक मंदिर है, बागेश्वर महाराज करके एक मंदिर है। सो वहाँ पे मैं सोचा कि जाने के लिए प्लान कर रहा था, तो मैं यहाँ पे आया था, तो मैं बोला कि घूम ही लेता हूँ। सो वहाँ पे भी जाते हैं। अभी तो मैं बस में हूँ, मॉर्निंग में पहुँचूँगा वहाँ पे। मॉर्निंग में क्या, रात में ही पहुँच जाऊँगा, बट मैं मॉर्निंग में ही जाऊँगा दर्शन करने के लिए, क्योंकि आपको मॉर्निंग में ही पूरा व्यू दिखाना है मुझे, तो सो मॉर्निंग में ही चलेंगे। दोस्तों, जो चैनल में नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। और लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। सो दोस्तों, हम बागेश्वर महाराज टेम्पल आ चुके हैं और ये है पुणे से करीब 13-14 किलोमीटर दूरी पे है। ये वागोली गांव में स्थित है और यहाँ बहुत मान्यता है इस मंदिर का। यह शिव जी का एक टेंपल है। सो हम लोग अंदर चलते हैं। यहाँ पे सुविचार है, क्या लिखा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे सूचना लिखा हुआ है। सो चलते हैं मंदिर में। ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये शमशान भूमि है, यहाँ पे मुक्ति भी मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक रास्ता है, यहाँ पे किसी का तो मकबरा है, समाधि है। देखते हैं आगे चल के क्या है ये। ये है, एक मिनट, ये है क्या है, श्रीमंत सुबेदार पिलाजी बीन चंगोजी जाधव राव, इनकी समाधि है ये। और इसके बाद ये आगे तो रोड है और इसके पीछे तो लेक है, अच्छा एक तालाब है। सो वो भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी आगे चलते हैं मंदिर की तरफ। सो यहाँ से तो एक बार देख लेते हैं। अच्छा है, लेक अच्छा है। ये आ गए हम मंदिर के प्रमुख द्वार पे। ओम नमः शिवाय। ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे दिए जला जाते हैं रात के समय। साइड में नाना नानी पार्क है। सो मंदिर के जस्ट बाजू में, अभी चलते हैं हम लोग मंदिर के तरफ। ये मंदिर के ठीक सामने ही नंदी महाराज हैं। पे नंदी जी की एक मूर्ति है, सो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर देखते हैं आप। दोस्तों, अब मंदिर के हम लोग बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ पीछे का व्यू है, जो मंदिर के पीछे जो है, यहाँ से ऐसा दिखता है मंदिर। और ये मंदिर में
पुराने जमाने में प्राचीन काल में जो लिखते थे ना, वो ऐसा कुछ चित्र बनाते थे, उस हिसाब से बनाया गया हुआ है। और ये मंदिर एकदम सही में वाकई बहुत मस्त मंदिर है। बाकी मंदिर के अंदर तो मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छी वाइब आती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये पीछे से है सब जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसके जस्ट सामने ये है जो आप देख रहे हैं। ये यहाँ पे ड्रामा वगैरह वो पुराने ज़माने में करते थे ना, वो क्या बोलते हैं उसको, मुझे समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि हम स्टेज होता है वैसे ही उस ज़माने का क्या बोलते हैं ड्रामा और एक्टिंग वगैरह करते थे जो यहाँ पे, सो वो चीज़ था ये। तो फिलहाल मुझे वो वर्ड नहीं आ रहा है। ठीक मंदिर के बाजू में ही एक मंदिर और है, यहाँ पे भी शिवलिंग है, यहाँ पे भी शिव जी हैं। सो ये मंदिर है अंदर, ये मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। और फाइनली चलते हैं बोटिंग करने, क्योंकि मुझे वो पहले देखा तो मुझे बहुत मज़ा आया। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो नए हैं यहाँ पे प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिए, ऐसे ही मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहूँगा। अब चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नए ब्लॉग में। जय श्री राम, गुड बाय, लव यू ऑल।